ये उस रण की कहानी है जिसके रण नायक वीर तानाजी है। जब भी कोंदाना किले को याद किया जाता है तो वीर तानाजी की बहादुरी और शौर्य की गाथा याद आ जाती है। यह बात उस समय की है जब तानाजी के पुत्र के विवाह की तैयारी चल रही थी। तभी उन्हें खबर मिलती है कोंदाना किले के युद्ध की। तानाजी अपने पुत्र का विवाह छोड़कर रात्रि में ही मात्र 342 सैनिकों के साथ लगभग 5000 मुगल सैनिकों से युद्ध करने निकल पड़ते हैं। करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर बना यह किला जिसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था, जिस तक पहुंचने के लिए तानाजी ने यशवंती नाम की प्रजाति की छिपकली का प्रयोग किया था। उस वक्त कोंदाना किले पर एक राजपूत कमांडर उदयपान सिंह का राज हुआ करता था। उदयपान को जब इस बारे में पता चला तो दोनों गुटों में भारी लड़ाई छिड़ गई। तानाजी और उदयपान के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में तलवारों के वार से तानाजी की ढाल टूट गई, लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे और आखिर में तानाजी उदयपान को मौके घाट उतार कर वीरगति को प्राप्त हो गए। जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि गढ़ आला पर सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। ऐसे वीर सपूत के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय भवानी जरूर लिख देना।